हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विच स्टडी नॉलेज में। चलिए इस वीडियो में 10वीं कक्षा की मैथ क्लास जो चैप्टर 3 चल रहा है, दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हम तीन यानी प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। इसके पहले प्रश्नावली 3.1 के लिए काफ़ी सारे वीडियो बनाए गए हैं, इनसे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर प्लीज़ वहाँ चेक कर लीजिए या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर ऑप्शन जाकर वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना बात की प्रश्न संख्या प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 पर ध्यान देते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए दिया है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। तो हम ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या है, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और कह रहा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो ये NCERT बुक है। ठीक, NCERT राजू प्रकाशन, जो क्लास 10th के लिए चला जाता है, जो यानी नई किताबें हैं। तो इसमें से हम प्रश्नावली यानी 3.2 का पहला प्रश्न सवाल करेंगे, जिसमें ये दिया है क्या कि 10 के 10 विद्यार्थी माना। ठीक, मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या वाई है। ठीक, इस प्रकार से मान लेते हैं। और प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, अर्थात लड़कियों को लड़कों को मिलाकर केवल 10 छात्र हैं। तो अगला इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, यानी लड़कों और लड़कियों को जोड़ने के पश्चात हमें केवल कितने प्राप्त हुए हैं, 10। तो ये 10 विद्यार्थी हो गए। और अगले कंडीशन के लिए ये कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, किसकी, लड़कों की, तो लड़कों की संख्या क्या है, x, और इसमें किसने कितने अधिक है, 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक प्राप्त होगी। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण आप 2 मान सकते हैं। ठीक, बस इसी को हमें क्या करना है, ग्राफी विधि और बीज गणितीय विधि से सॉल्व करके लड़कों और लड़कियों की संख्या बता देनी है। अगला इसे देखें, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया है और y बराबर कितना दिया है, ये, अर्थात समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे में प्राप्त हो जाए, क्या y के स्थान पर क्या रखेंगे, x प्लस 4, जहाँ इतना लिखा गया है x प्लस 4 लिखते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, वाई के स्थान पर क्या रखेंगे, x प्लस 4, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस 4 बराबर क्या प्राप्त होगा, 10। इस 4 का इस तरफ कर देंगे अंतर, x में x जुड़ जाएगा, क्या प्राप्त होगा, 2x बराबर 10 माइनस 4, तो 10 में 4 के कितने प्राप्त हो जाएंगे, 6। तो अगले हम लिख सकते हैं 2x बराबर 6, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 3। और x किसे माना गया था, लड़कों की संख्या क्या है, 3। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। ठीक, क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो x का मान जो है वो क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2 क्या दिया है, y बराबर प्राप्त हो x प्लस 4, तो x में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, अर्थात x का मान निकला है 3, तो x बराबर क्या निकला है, 3, तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा क्या, 3 प्लस 4, तो 3 में 4 जोड़ेंगे, कितने प्राप्त हो जाएगा, 7, कितने प्राप्त हो गया, 7। अगला ऐसे आपको ये ज्ञात हो गया कि x जो है लड़कों की संख्या मानी गई थी, क्या, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या मानी गई थी y, तो y बराबर 7 प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके आप कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 है। अगला ऐसे देखिए, इसे क्या करना था, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, किससे, ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि समीकरण 1 और 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्हीं समीकरण के माध्यम से रैखिक समीकरण यानी जो रैखिक समीकरण में प्राप्त हुए हैं, इसी से हम ग्राफी विधि सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ प्राप्त हो जाए क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हो रहा है, वाई बराबर क्या, वाई बराबर एक्स प्लस 4, बस। अगला इसे यहाँ भी हम वाई बराबर ज्ञात कर सकते हैं, तो प्राप्त हो जाएगा 10 माइनस एक्स, और यहाँ वाई बराबर पहले से प्राप्त है एक्स प्लस 4, तो हम एक सारणी बना लेते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, सारणी थोड़ा बना दें, बड़ा बना लीजिए, तो ये प्राप्त हो जाएगा एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक, किसका मान ज्ञात करना है, x और y का। तो अगला इसे हम क्या करेंगे,
कुछ ऐसे मान रखेंगे जो हमें इन चरों यानी चरों का मान क्या हो, पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। इसे समीकरण के लिए भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पूर्ण मान ज्ञात करना है आपको, इस तरीके से भी इसका हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे एक्स और नीचे लिखेंगे वाई, यहाँ एक्स का मान ये दो रख दिया जाए क्या, दो, तो यहाँ दो जो रखेंगे तो 10 - 2 प्राप्त हो जाएगा कि ना, 10 - 2 और 10 में से 2 जाए कितना प्राप्त होगा 8, तो ये प्राप्त हो गया 2.8। इसी प्रकार हम एक्स बराबर रख दें यदि 4, क्या रखेंगे एक्स का मान यदि 4 दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 में से 4 भी 6, तो वाई का मान हमें प्राप्त हो गया 6, तो ये प्राप्त हो गया 4.6। अगला इसे यदि हम वाई बराबर 6 रखें, एक्स बराबर 6 कि ना, एक्स बराबर 6 रखें तो वाई का मान हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, यानी इसी के जस्ट उल्टा आगे पीछे हो जाता रहेगा। इसी प्रकार यहाँ हम रख दें यदि एक्स बराबर 1, क्या रखें एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 5, और एक्स बराबर 2 रख दिया जाए तो 4 2 मिलकर में कितना हो जाएगा 6, और यही एक्स बराबर हम क्या रख दें 3 रख दें तो 3 में हम 4 जुड़ जाएगा, 3 4 7, तो ये 3 और ये क्या प्राप्त हो गया 7। इस तरीके से काफ़ी सारे बिंदु प्राप्त हो गए हैं। इसी को हमें क्या करना है, संख्या रेखा के माध्यम से अर्थात निर्देशांक ज्यामिति लेकर इसे हम काफ़ी आसानी से इसे संख्या रेखा पर प्रूव कर सकते हैं। तो ये इतना आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, उसके बाद ये ग्राफिक भी सॉल्व किया जाए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, ये जो तथ्य है इसे मिटा दिया जा रहा है, तो आप इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से आप बाद में नहीं लिखेंगे ये तो पक्का है, आप यही स्क्रीन वीडियो पॉज करके लिख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, इसे मिटा दिया जा रहा है, ठीक, एक्स का मान 3 है, वाई का मान 7 लिखा है। चलिए इसका देखते हैं ग्राफिक, ठीक, क्या देखेंगे ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि देखने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें यहाँ क्या करना है कि निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति अर्थात एक ऐसी संख्या रेखा बनाएंगे जिस पर हमें क्या करना होगा, इसे अंकित करना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू डॉट डॉट या फिर 9, इस तरीके से ये क्या प्राप्त हो गया, एक सच ऊपर भी जाएंगे उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 अप टू डॉट डॉट, ये रहा वाई एच। हमें करना क्या है, सभी धनात्मक संख्या प्राप्त हैं तो धन वाली संख्या ले लीजिए, और यहाँ प्राप्त होता है 0.0 अर्थात मूल बिंदु। तो ये एक्स एच और वाई डन, ठीक, एक्स और वाई एच के बीच में प्राप्त हो जाएगा इसके बाद। तो अगला से देखिए क्या प्राप्त है, 2.8, पहले समीकरण के लिए क्या प्राप्त हो रहा है 2.8, तो एक्स एच पर 2 वाई एच पर 8 ये रहा, ठीक, ये इस बिंदु का नाम हम क्या रखेंगे, एक्स एच पर 2 वाई एच पर क्या 8, इस बिंदु का नाम हो गया 2.8, ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरा वाला 4.6 लेते हैं, तो एक्स एच पर 4 और वाई एच पर 6, तो ये रहा, ठीक, ये क्या हो गया एक्स एच पर 4 वाई एच पर 6, इस बिंदु का नाम हम क्या रखेंगे 4.6, तीसरा बिंदु 6.4 है, तो एक्स एच पर कहाँ है 6, यहाँ, वाई एच पर 4 कहाँ है यहाँ, ठीक, इस जगह, इस बिंदु का नाम क्या रखेंगे 6.4, तो ये प्राप्त हो जाएगा क्या 6.4, और क्या करेंगे इसे मिला देंगे, क्या करेंगे इसे मिलाते हुए आगे बढ़ा सकते हैं हम, ठीक, तो ये प्राप्त हो जाएगा। रेखा का नाम भी लिख दीजिए आप, कौन सी रेखा थी, y बराबर x प्लस वाई बराबर 10, क्या x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण लेकर चलते थे 1.5, एक्स एच पर 1 वाई एच पर 5, तो एक्स एच पर 1 कहाँ है, एक्स एच पर 1 यहाँ है, वाई एच पर 5 कहाँ है यहाँ, ठीक, तो ये बिंदु हो गए। और दूसरा बिंदु 2.6, तो एक्स एच पर 2, तो एक्स एच पर 2 यहाँ हो गया, और वाई एच पर 6, तो एक्स एच पर 2 के सामने यहाँ 6 प्राप्त है, ठीक, ये वाला बिंदु हो गया। तो ये पहले का नामकरण किया गया था 1.5, दूसरे का 2.6, तीसरा बिंदु ज्ञात कर लेते हैं 3.7, तो एक्स एच पर 3 का यहाँ है, क्या है यहाँ, वाई एच एच पर 7 का है यहाँ, ठीक, कहाँ, एक्स एच पर 3 यहाँ है, वाई एच पर 7 यहाँ है, और इसे हम क्या करेंगे, इसे मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, ठीक, इस तरीके से। तो देखिए ये जो कटान बिंदु प्रक्षेद बिंदु प्राप्त हो रहा है, यही हमें क्या करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या बता रही है, ठीक, तो लड़कों की संख्या बता रहा है और लड़कियों की संख्या हमें यही कटान बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, ठीक, तो ये कटान बिंदु का नाम कर रखेंगे 3.7, चूँकि एक्स एच पर 3 है, कहाँ, एक्स एच पर 3 है और वाई एच पर 7 है, इस तरीके से इस बिंदु का नाम हम 3.7 रखेंगे, और यहाँ आप लिखेंगे अतः, ठीक, अतः एक्स कामा वाई एच पर, ठीक, या फिर अतः 3.7 बिंदु पर रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक,
आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। अतः या फिर अर्थात लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या किस अक्ष में माना गया था? यक्ष, ठीक। तो यक्ष अक्ष पर किस बिंदु पर है? 3। तो लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या किस अक्ष पर? वाई अक्ष पर 7 है। किस पर? वाई अक्ष पर 7 है। तो हम क्या लिखेंगे? लड़कियों की संख्या 7। ये रहा इसका आंसर। तो आप इसे बीज गणित से भी सवाल कर चुके हैं और ये ग्राफी भी देख चुका होगा। तो ये रहा इसका ग्राफ और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। 10वीं कक्षा के प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।